हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी मीटिंग में। एंड इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप जो है अपने माई जियो ऐप से ही रिचार्ज कैसे कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स का भी रिचार्ज जो भी फैमिली में हो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको माई जियो ऐप खोलना पड़ेगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्लान एक्सपायर हो चुका है एंड इसमें 1.09 GB जो है बचा था पहले से, तो मैंने यूज़ नहीं किया था, उस पर ही जो ये एक्सपायर हो गया था। एंड यहाँ पे मैं पैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी पैक मुझे चाहिए। तो यहाँ पे 599 वाला जो है मैं सेलेक्ट करूँगा, ये सबसे अच्छा होता है। 2 GB आपको डे पे मिलता है एंड यहाँ पे आप जो है अगर आपके पास इंटरनेट एक्सपायर हो गया है तो फिर भी आप जियो ऐप से जस्ट आप जो है डेटा ऑन कीजिए एंड जियो ऐप को ऑन करके थोड़ा सा स्लो हो सकता है, पर जो है यहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड डेबिट ATM कार्ड वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह से अगर आप करना चाहे तो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI ID भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं डेबिट ATM कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कार्ड नंबर जो है फिल करता हूँ। कार्ड से रिलेटेड जो है सभी डिटेल्स मैं फिल कर दूँगा, आप भी जो है इसकी मदद से बहुत ही ईजीली रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ सभी डिटेल्स। पहले मैं डालता हूँ अपना कार्ड नंबर ऊपर सबसे टॉप में, तो आप भी अगर जो है कर रहे हैं तो सही कार्ड नंबर डालिए, फिर आपके कार्ड पे ही जो है एक्सपायरी मंथ एंड एक्सपायरी ईयर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है अपने एक्सपायरी डेट्स डाल दीजिए, फिर CVV कोड आपको कार्ड के पीछे मिलेगा, वहाँ से आप जो है अपने 3 डिजिट वाला CVV कोड डाल दीजिए एंड जैसा आपके कार्ड पे नेम है वैसा सेम टू सेम आप जो है अपने नेम को यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे नेम को मैं पहले डाल देता हूँ एंड मैं तो यहाँ पे जो है सभी चीज़ें सही से एंटर कर रहा हूँ। अब हम पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे एंड यहाँ पे जो है ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब जो है यहाँ पे OTP जैसे ही आएगा हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं अपने OTP का एंड यहाँ पे OTP आ चुका है एंड पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं अपने खुद का। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे ये देखिए 2 GB डेटा आ चुका है एंड मेरा जो है पैक 27 जनवरी को 2021 को एक्सपायर होगा। तो 599 का मैंने यहाँ पे पैक रिचार्ज किया है। अब मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताता हूँ कैसे आप अपने फ्रेंड का या फिर अपने घर के किसी मेंबर का यहाँ पे आप जो है फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जियो ऐप में ही नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे पहले हम चलते हैं। तो आपको यहाँ पे रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको कॉन्टैक्ट सही जियो नंबर डालना पड़ेगा, कोई दूसरे ऑपरेटर का नंबर इसमें नहीं चलेगा, तो आप जो है जियो का नंबर ही रिचार्ज करें। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अपने कॉन्टैक्ट्स में जाके, कॉन्टैक्ट्स में, तो कॉन्टैक्ट में जो है जाके मैं नेम सर्च करता हूँ, नंबर आ जाएगा। तो नंबर आप जो है यहाँ पे चेक कर लीजिए अच्छे से कि आपके फ्रेंड का ही है या फिर फैमिली मेम्बर का ही है नंबर, नहीं तो दूसरे नंबर पर रिचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो है हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो का लोगो दिख रहा है एंड लोडिंग हो रहा है, तो प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसके बाद जो है स्टेप्स जो आएंगे वो सेम टू सेम होंगे जैसा पीछे आपने देखा। यहाँ पे मैं फिर से 599 वाला जो है यहाँ पे रिचार्ज करूँगा एंड यहाँ पे 599 पे जस्ट सेलेक्ट कीजिए, जो भी पैक चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए, बाय पे क्लिक कर दीजिए। बाय पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे तो थोड़ा ब्लैंक वाइट कलर का दिख रहा है, वेट करते हैं। पर जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो यहाँ पे वेट करते हैं। ये जो है वाइट कलर का दिख रहा है, पूरा पूरा ब्लैंक है एंड आगे बढ़ते हैं। ये कब होगा, थोड़ा सा वेट ज़रूर लगेगा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर जो है यहाँ पे, तो ये आ चुका है यहाँ पे। तो आप जो है जो पेमेंट ऑप्शन चाहे वो सिलेक्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए। तो मैं यहाँ पे जो है क्रेडिट ऊपर वाला जो पेटीएम का था, ATM का था, वो सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ये प्रोसेसिंग हो रहा है। रिफ्रेश या बैक बटन ना दबाएँ, कुछ भी ना करें, जस्ट जो है जो हो रहा है उसे होने दें। तो यहाँ पे जो है ये हो रहा है एंड यहाँ पे कार्ड डिटेल्स फिर से फिल करना पड़ेगा हमें। तो सही कार्ड डिटेल्स मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जो है अच्छे से देख के कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए, सब कुछ सही सही जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले कार्ड नंबर जो है सबसे टॉप में आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, तो कार्ड नंबर जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले।
यहाँ पे जो है कार्ड नंबर डाल दिया। अब जो है मंथ एंड ईयर भी यहाँ पे जो एक्सपायरी का होता है वो भी जो है एंटर कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो उसके बाद जो है CVV कोड एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक्सपायरी डेट हो गया है। CVV कोड एंटर करते ही नेम जो है कार्ड पे वो हम जो है यहाँ पे एंटर कर देते हैं। कैपिटल लेटर्स में मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसा है कार्ड पे वैसा ही पे कर देता हूँ। यहाँ पे पे करते ही आपको जो है OTP आ जाएगी। OTP आते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आप अपने फ्रेंड को जो है फ़ोन करके पूछ लीजिए कि उसका रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है ये आपको जो है OTP जैसे ही मिलेगा आपका रिचार्ज हो जाएगा। मुझे अभी OTP मिला, मैं कॉपी एंड पेस्ट इसमें कर देता हूँ। ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है, तो आप जो है कॉपी पेस्ट कर लीजिए OTP को एंड यहाँ पे पेमेंट जो है हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट अभी एक जो है यहाँ पे सक्सेसफुल वाला जो है विंडो खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लोगो आ गया है एंड पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ है। तो इस तरह आप जो है अपने फ्रेंड्स का, अपने खुद का जियो नंबर जो है, जितने भी जियो नंबर से आप जो है अपने बैंक से सीधा डायरेक्ट पे करके एंड पे कर सकते हैं। पैसे पे करेंगे तो आपका रिचार्ज जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये जो है प्रोसेस कैसा लगा आपको, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताइए एंड शेयर कीजिए, ताकि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बता सके कि कैसे जो है अपने जियो मोबाइल को कैसे रिचार्ज करें। तो यहाँ पर आप जो है जियो के किसी भी नंबर को इसी तरह जो है रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।